दोस्तों, अगर आपके पास भी एक जीमेल आईडी है, गूगल अकाउंट है, तो आप इस वीडियो को जरूर से देख लीजिए। कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स कि आपका जो ईमेल आईडी है उस पर कुछ इमरजेंसी काम हो जाता है और आपका फ़ोन होता है डिस्चार्ज या तो आपके पास वो फ़ोन नहीं रहता है और अपने फ्रेंड के फ़ोन में अपना ईमेल आईडी लॉगिन कर देते हो, तो वहाँ पे उसको रिमूव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। मैं आपको बता दूँ, अगर आप लॉग आउट करते हो तो उस मोबाइल से वो रिमूव नहीं होता है, आपका जो भी वहाँ पे डाटा होता है वो सिंक होता रहता है। तो आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ कि कैसे अपने ईमेल आईडी को, गूगल अकाउंट को, जीमेल अकाउंट को रिमूव कर सकते हो किसी डिवाइस से। अगर आप किसी के फ़ोन में लॉगिन किए हो तो वहाँ से कैसे रिमूव कर सकते हो, या तो चाहते हो कि अपने मोबाइल से ही रिमूव करें तो कैसे कर सकते हो, इस वीडियो में आपको मैं सिखाने वाला हूँ। लेकिन एक चीज़ बता दूँ, बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि डिलीट करना भी वही चीज़ है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप जीमेल आईडी डिलीट करना तो उसके बारे में सीखना चाहते हो तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया, उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो को जाकर के जरूर से देखिएगा, उससे आप सीख पाएंगे कि एक गूगल अकाउंट को, जीमेल आईडी को कैसे डिलीट किया जाता है, और इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे रिमूव करते हैं। ठीक है, तो वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपके पास रियलमी का डिवाइस है उसमें आप चाहते हो रिमूव करना, तो आपको बहुत ही आसानी से मैं सिखाने वाला हूँ। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी इस टाइप का आपको वीडियो सब देखने को मिलता रहेगा। अगर आपका और कोई कमेंट है जिसपे आपको वीडियो चाहिए, कोई सवाल है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपके लिए वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अपने रियलमी के डिवाइस से, या तो आपका आपका जो कोई फ्रेंड है उसके फ़ोन में आप लॉगिन किए, उसके पास रियलमी का डिवाइस है, तो उसमें आप चाहते हो अपना जीमेल आईडी रिमूव करना, तो उसके लिए सबसे पहले आपको मोबाइल के सेटिंग्स को ओपन करना है। मोबाइल के सेटिंग्स को ओपन करने के बाद में सबसे नीचे स्क्रॉल करके जाना है, वहाँ पे आपको यूजर एंड अकाउंट का एक ऑप्शन मिल जाएगा, उस पे आपको क्लिक करना है। उस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो आपका अकाउंट होता है, जैसे कि फेसबुक का, गूगल का, इंस्टाग्राम का, सब देखने को मिल जाएगा एप्लीकेशन। तो आपको सिंपली गूगल पे क्लिक करें, क्योंकि आपको जीमेल अकाउंट रिमूव करना है, तो उसके लिए आपको गूगल पे क्लिक करिए। फिर आपको वो जो भी जीमेल अकाउंट रिमूव करना है उससे जीमेल अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको ऊपर में एक टू डॉट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करके वहां से आप रिमूव अकाउंट पे क्लिक करके आप रिमूव कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो बहुत ही आसानी से आप इसको कर सकते हैं। ये करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप किसी के फ़ोन में जीमेल अकाउंट को लॉगिन करते हो तो आप लॉग आउट कर देते हो, फिर भी वहाँ पर वो ऐड रहता है, उसमें जो है सिंक होता रहता है आपका डाटा। ठीक है, तो आप रिमूव कर लीजिए, बहुत ही अच्छा रहता है आपके लिए, आपको जो भविष्य में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। अगर आपका और कोई सवाल है नीचे कमेंट करके बताइए, मैं वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।